सदियों से एक चेष्टा हुई अमृतत्व प्राप्ति की। सब लोग चाहते थे हम अमर हो जाएं, हम अमर हो जाएं। बहुत से लोगों ने इस तरफ प्रयास भी किया कि हमें न मरना पड़े। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द आपके लिए वेश कीमती हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं न मरूं। आपसे पहले पूर्व में भी कई लोगों ने प्रयास किया है, अभी भी इस समय में भी वर्तमान में भी काफी लोग ऐसा प्रलोभन देते हैं, आपकी जवानी बनी रहेगी, आपकी शक्ति बनी रहेगी, आपका सामर्थ्य बना रहेगा। लेकिन क्या यह संभव हो पाया है? यह संभव हो पाया है क्या? यह विचार सिर्फ विचार ही है। काफी लोग अपनी अपनी वस्तुएं बेचते हैं आपको जवान बनाने के लिए, अमृत प्रदान करने के लिए, न जाने क्या क्या बोलते हैं आपको ये मिल जाएगा। दीर्घजीवी होने के लिए भी विचार चरितार्थ करना चाहते हैं, यह चेष्ट सफल नहीं हो पाए अभी तक तो नहीं। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेने को कोई सोच भी नहीं सकता, अभी तक कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है। अरे हमारी और तुम्हारी तो बात छोड़ दीजिए, हिरण्यकश्यपु रावण ऐसे लोग थे जिन्होंने काल को जीत लिया था, जो ये काल को जीत लिया था। बावजूद इसके हिरणाक्ष रावण हिरण्यकश्यपु अनेक राक्षसों में समान स्थिति थी, अधर्मी और दुराचारी होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। आज भी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की है, ध्यान से सुनना कितनी, लेकिन 100 वर्ष जीता है, क्यों नहीं जीता है? उसकी आयु कम होती है, किसकी वजह से? अनाचार की वजह से, अधर्म की वजह से, दुराचार की वजह से, पापाचार की वजह से, असत्य की वजह से। आज के समय में भी व्यक्ति 100 वर्ष जी सकता है अगर अधर्म में लिप्त न हो तो, झूठ न बोले तो। मैं नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है। सामान्य मनुष्य स्वयं को अबध्य मानने लगता है। जब हम लोग देखते हैं कि हम जी रहे हैं, जब अपने आप को अबध्य कि हम मरेंगे ही नहीं ऐसा सोचेगा तो क्या होगा? व्यक्ति अधर्म ही करेगा, झूठ बोलेगा, हिंसा करेगा, दूसरों को मारेगा, और जब दूसरों को मारेगा तो खुद की आयु का नाश करेगा, जीवन में रोगों को इन्वॉल्व करेगा, रोग घुसते ही चले जाएंगे, व्यक्ति की मृत्यु और कम समय में हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। मनुष्यों की जिजीवसा कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो मरना नहीं चाहता है। लेकिन एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमारी आंखों के आगे हमारे लोग गए, जिन पितरों को, जिनको हम पितर कहते हैं, पितर कह रहे हैं, वो पितर हैं, हमारी आंखों के सामने वो हमारे पितर लोग गए। जहां जीव है वहां मृत्यु अवश्य होती है, ये बात हमको पता होनी चाहिए, लेकिन हम मानने के लिए कतई तैयार नहीं। अहन्यनिहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम सेसाम जीवतुच्छमिच्छन्ति किमाश्चर्य महत् परम। ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम अपने हाथों से अपने लोगों को विदा करके आते हैं, लेकिन खुद ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरेंगे नहीं। हमारा व्यवहार ऐसा होता है जैसे हम कभी मरेंगे नहीं। अरे भाई, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्, व्यक्ति की मृत्यु ध्रुव सत्य है, चाहे तुमसे पहले लोग आए हों या तुम्हारे बाद में लोग आएंगे या तुम वर्तमान में जी रहे हो, तुम्हें भी कोई संभाल नहीं सकेगा। मृत्यु ध्रुव सत्य है, मरना ही सत्य है।